मेरे साथी विक्की वडेरा जी लुधियाने एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी विखे खड़े हैं जिते कि साड़ी मुलाकात खन्ने इलैक्शन जो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त हुए हैं एम एल ए संजय तलवार जी हुई आना गल करते हैं पहला तो सर वेलकम साडे चैनल से। थैंक यू जी, धन्यवाद सर जी। मैं देखा कि एम सी इलैक्शन ऑन एयर हो चुके हैं, डेट्स एंड डिकलेयर हो चुकी ने, तो किस बिहाफ से किस टाइप के कैंडीडेट्स थोड़ी प्रायोरिटी लिस्ट च ने? देखो, कांग्रेस पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मेरी ड्यूटी उत्थे यह है कि मैं जिहड़े साडे कैंडीडेट ने जिन्होंने कारपोरेशन की चोणों वास्ते अप्लाई किया उन्होंने परसनली मिलना और जिहदी क्रैडिबिलिटी बनती है उहदे वास्ते मैं उन्हों का नाम रिकमेंड करांगा। और ये जो साडे पार्टी के मापदंड है, सब तो पहली गल कि उस कैंडीडेट प्रैफरेंस दी जाएगी जिहड़ा पार्टी प्रति लॉयल रहा, जिहदे पार्टी नाल कभी दगा नहीं किया। सैकेंड है कि वह डिजर्विंग होना चाहिए, वो वार्ड के पैठ होनी चाहिए है, लोग उन्होंने पसंद करते हो। कोई भी ऐसे कैंडीडेट को टिकट नहीं मिलेगी जिन्हें पार्टी की पिट्ठे छुरा मारिया हो या जिंद कोई हूँ आउटसाइड किसी पार्टी तो उन्होंने आगे ज्वाइन किया हो। सो ये सारिया चीज़ा देखते हुए, क्योंकि कौंसलर की जी पोस्ट है या जिस लैवल का वर्क है, ये मतलब पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि अगर वह मजबूत नहीं होंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। सो साडे 2022 विधानसभा चोणां होने जा रही हैं, अगर साडे कौंसलर जितणगे तो अगो विधानसभा साडा इलैक्शन उस हल्के का जिहड़ा ईजी हो जाएगा। सो इन मापदंडों मद्दे ने रखते हुए तकरीबन 33 वार्ड्स ने असी, मैं हर कैंडीडेट परसनली मिल लिया, हुण असी एक पैनल बना के हाईकमान भेजन जा रहे हैं जिहदे च हाईकमान उहदे च फाइनल डिसीजन लेगी। सर जी, मैं तुसीं कहा भी 33 फाइनल हो चुके ने, जिहड़ी लिस्ट है वह ऑन एयर कद तक कर दित्ती जाऊगी? सर 33 दी असी कैंडीडेट परसनल इंटरैक्शन कर ली है, फाइनल जिहड़ा करना है हाईकमान ने करना है, लाइक जाकर साहब करन या लाल सिंह जी करन या कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री पंजाब करेंगे। असी अपने वालों 1, 2, 3 नंबर पा के एक पैनल हर वार्ड का बना के असी भेज देना, जिहड़ा कि असी मोस्ट प्रोबेबली कल भेज देंगे, तो उस बाद पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा और उस बाद असी चुनावों से जावांगे। अगर कोई साडा साथी इस गल तो नाराज़ होएगा कि मैं इस वार्ड से टिकट मंगता सी मैनू नहीं मिली, तो उन्होंने कन्विंस करेंगे, उन्होंने पार्टी की किसी होर पोजिशन तो एडजस्ट करेंगे। थैंक यू सर। जिमें कि आप जानते हैं साथ विनायक साहब भी खड़े ने, विनायक जी आप देखा कि जो कैंडीडेट्स की चोणा जिम्मे सर ने कहा कि उन्होंने क्रेडिबिलिटी उन्होंने वर्क के वार्ड के कमांड के आधार के उत्ते हो रही है, तो तुम इस चीज़ एग्री करते हो कि जो नुमाइंदे ने अगे आने चाहिए ने? बिल्कुल जी, जिस तरह हमने साढ़े एम एल ए संजय तलवार जी ने दसिया, इन्होंने जो 2017 इलैक्शन करवाए लुधियाने 18 और जोड़े इन्होंने कैंडीडेट सिलेक्ट किए 19 असी 16 कैंडीडेट लुधियाने इस कॉन्स्टिचुएंसी से जित के गए हैं और इन्हों की सोच बड़ी वधिया, और इन्होंने जो क्या वधिया क्या भी वह वफादार बंदा ही पार्टी की टिकट का हकदार है, जिहड़ा अपने लीडर लिए वफादार अपनी पार्टी लिए वफादार उस कैंडीडेट को टिकट मिलनी चाहिए है। थैंक यू सर। जिमें कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी वालों होमवर्क पूरा कर लिता गया वा, सारे जिहड़े कैंडीडेट्स हैं उन्होंने नाम का मंथन हो चुका, 1 या 2 दिन के जिहड़ी खन्ने शहर की नगर कौंसल चोणों के उम्मीदवार की कांग्रेस आई की लिस्ट है वह जारी कर दी जाऊगी। असं भी उम्मीद करते हैं कि जिहड़े वधिया कैंडीडेट्स ने अगे होण ताकि खन्ने शहर की जिहड़ी नुहार है वह बदली जा सके। मैं हरप्रीत आलूवालिया, मेरे साथी विक्की वडेरा जी, थैंक यू वैरी